आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नियम कानून को ताक पर रखकर गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम आहरडी के स्कूल से मगज 200 फीट की दूरी पर एक क्रशर संचालित है। क्रशर की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी परेशानी आ रही है। स्कूल से बच्चे घर आते आते डस्ट से भर जाते हैं। इस गांव के ग्रामीण क्रशर से निकलने वाली धूल डस्ट की वजह से बराबर बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। गौरतलब है कि इस गांव में खेतीबाड़ी करना भी दूभर हो चुका है। जमीन बंजर बन रही है, वहीं घर के अंदर रखा कपड़ा भी एक दिन के अंदर काफी गंदा हो जाता है। इस बाबत ग्रामीण महिलाएं भी बेहद परेशान है। महिलाओं का कहना है कि क्रशर की वजह से उनकी दिनचर्या पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं गंदगी के अंबार से पूरा घर पटा रहता है। गिरडी से कैमरा पर्सन डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। कौन चार पांच को बीमार से मुर्गी होता है? इन साल मेरा देश बीमार किया, बकनी मर गया नेताजी, बीमारी पहुँचा और इसको कलेजा में फेफड़ा हो गया, वही बीमारी निकलता है। जब शाम को काम करके आते देखते इसमें पानी में बहुत डस्ट हुआ बैठा हुआ रहता है। दूसरे में शरीर में जो है सो नुकसान है ये है। सामने स्कूल भी है, बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कम आने लगा। अब जिएंगे तो जिएंगे कैसे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग गरीब आदमी ऊंचे आवाज से मतलब उठा नहीं सकते हैं, जो कि शासन प्रशासन को हम लोग बोल सकते हैं। हर महीने लगभग एक बार दो बार तो हो ही जाता है। मेरा घर सामने है, मेरे बस्ती लोग सब कोई नहीं ऊँचे उठा सकता आवाज। हर चीज का परेशान है सर। क्या क्या है? खाना बनाता है उसमें एक तो थोड़ा सा ऊपर रहता है, पड़ जाता है खाना, वो भी बिकने पड़ता है। बच्चा के बच्चा रहता है, बच्चा को सांस लेने में लगता है, बच्चा भी गंदा हो जाता है। कपड़ा फिंच के अंतर घटता तुरंत गंदा हो जाता है। एक दिन बगैर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सब घास बिनो मर जाता है, कहीं जन्म भी नहीं करता है, गंदा कर रहा है। जल में है, हमें पानी में बीमारी निकल गए।